गोविंद सिंह जी ने तो खुद गोविंद रामायण लिखी है। रामचंद्र जी के जो बड़े पुत्र लव थे उनके वंशज हैं गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गुरु गोविंद साहिब जी तो बाद साड़ी जड़ी सिख कौम वक्री हो चुकी है। जड़े जथेदार पता नहीं इन्हों किने जथेदार बनाता तख्त साहब दे। पिछले दिनी प्रधानमंत्री मोदी वालों दसम पातशाह वालों लिखी रामावतार बारे ये बयान दिता गया कि यह बाणी दसम पातशाह ने दशरथ पुत्र राम ले लिखी है। इस तो बाद तख्त पटना साहब के जथेदार सबका जथेदार ते विवादित रहे जथेदार इकबाल सिंह वालों उस दिन मीडिया नूं बयान दिंदे ये कहा गया कि सिख लव कुश के वंशज ने। यह विवाद चलिया जो अज तक रुकया नहीं ते सोशल मीडिया ते इसे बारे लगातार चर्चा जारी है। इस बारे सिखा नूं हिंदुओं का अंग ते लव कुश दे वंशज कहण वाले लोगों नूं टिकटॉक ते जिंद क्वीन नाम दे खाते तो इस पंजाबी कुड़ी ने ठोकवां जवाब दिता है। सत श्री अकाल जी सारयां नूं। धर्म दे उत्ते लड़ना मेरा कोई मुद्दा नहीं हैगा, पर जेकर कोई साडे धर्म दे उत्ते बोलदा तां दुख जरूर हुंदा क्योंकि रब ने जुबान दित्ती आ ते दिमाग दित्ता सोचण समझण लई। इक भैण ने कहा कि मैं तैनूं पढ़ी लिखी समझदी सी, तू तां अनपढ़ा तों वी उपर आ। ते इक ने कहा कि तेरा जिहड़ा गुरु नानक देव जी दा पहला नाम जिहड़ा देव लगदा उहदे नाल बिल्कुल लगदा जी, मैं मन्नदी आ। ते भैण तुहाडा वी मैं कहा सिर मथे मन्नदी आ कि अनपढ़न तों वी गई गुजरी। अनपढ़न नूं मैं कदे माड़ा नहीं समझदी क्योंकि जिहड़ा अनपढ़ कई वारी तर्क दिंदा ने ना उह पढ़े लिखे कोल वी नहीं हुंदा। चलो जेकर तुसीं कहिंदे हो कि जिहड़ा सिख धर्म हिंदू धर्म दे विचों निकलिया मन लिया जी, पर दुध तो बनता जी दही, दही तो बनता मक्खण, मक्खण तो बनता घी, हुण तुसीं घी नूं दुध बना के दिखा दो। सो जी दसवें गुरु गुरु गोबिंद साहिब जी तो बाद साडी जिहड़ी सिख कौम आ वक्खरी हो चुकी है। ठीक है, तुसीं इह गल नूं समझ लो, पल्ले बन लो कि साडी जिहड़ी कौम है हिंदुआं तों वक्खरी है क्योंकि हिंदू धर्म दे विच कर्म कांड बहुत है। हुण जे मैं अगे वध गई फिर लड़ाइयां बहुत पै जाणियां, इस लई मैं धर्मां दे उत्ते लड़ाइयां नहीं चाहुंदी। सत श्री अकाल जी सारयां नूं। जिस मुद्दे ते अज गल करन जा रही हां थोड़ा सेंसिटिव आ क्योंकि तख्त श्री पटना साहब के जथेदार ज्ञानी इकबाल सिंह वालों विवादित बयान दिता गया। अयोध्या विखे जिहड़े पहुंचे हुए सन भूमि पूजन मौके उन्होंने मीडिया के रूबरू होकर कहा कि जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसवें गुरु सिखां दे ने उह श्री रामचंद्र जी के वड्डे बेटे के वंश चों ने। सो य जिहड़े जथेदार आ पता नहीं इन्हां नूं किने जथेदार बनाता तख्त साहब दे, पहली गल इन्हां नूं अहुदे तों हटा देना चाहिए। दूजे नंबर पर यह अपने थोड़ा जिहा पढ़ाई करके आउण, स्टडी करके आउण ते हिस्टरी बारे जानण, सिख इतिहास का थोड़े पढ़न कि किस तरह गुरु साहिबाना का जिहड़ा इतिहास आ किन्नी महत्ता रखता साडी सिख कौम दे लई। सो इहो जिहे विवादित बयानां तों दूर रहण। दूजे नंबर पर हिंदू भरावां लई गल है कि हिंदू भरा साडे असीं तुहाडी बहुत रिस्पैक्ट करदे आ, साडे नाल गुस्सा ना करिया करो क्योंकि साडे असीं तुहाडे पिछे तां जानां दे दित्तियां। गुरु तेग बहादुर जी महाराज कोल जदों ब्राह्मण अपनी फरियाद लै के आ गए सन तां गुरु महाराज जी अपना चा सारा कुछ छड्ड के तुहाडे लई दौड़ पए सन। अक्सर यह चर्चा आम ही सिख विरोधी ताकतों वालों छिड़ी जाती है कि सिख हिंदुओं का अंग ने, सिख हिंदुओं चों निकले ने अते खालसे की साजना हिंदुओं की राखी लई कीती गई है। पर ये लोग भुल जाते हैं कि जदों पातशाह ने खंडे की पौल दिती सी तां उन्होंने साफ हुक्म किया कि अज तो सिख कोई जात कोई गोत कोई पिछले समय की अहमियत नहीं रखेगा, अज तो तुसी खालस हो खालसे हो। उपरों साढ़े सिख होने लीडरां की बेअकली कहो कि अजिहे बयानां दा यह लीडर मूँह तोड़ जवाब नहीं दे सके ते जथेदारियां ते बैठे लोग भी अजिहे बयानां दी शर्मनाक प्रोड़ता करदे ने। ताज़ा खबरां ते नवीं जानकारी भरपूर वीडियोज़ देखण वास्ते सबसक्राइब करो साडा यूट्यूब चैनल सुरखाब टीवी। जेकर तुसी इस वीडियो नूं फेसबुक उत्ते देख रहे हो तां साडा फेसबुक पेज रहमत टीवी भी लाइक ते फॉलो कर लो।